अबे बट गॉड लाइक ये नहीं रुकने वाली। ओके वेट अ मिनट, सोल को बाहर किया गया ना के रखे तो आजू बाजू वाला एरिया कहीं ना कहीं उनका जो क्लियर आउट है वो चीज बहुत ही बढ़िया साबित होगी उनके लिए एंड मोमेंट के लिए। बट मीनवाइल थर्ड वाला सोल यहाँ पे क्लोजिंग के साथ में जाएगा, 300 मीटर्स का ट्रैवलिंग यहाँ पर करना है और बगी उनके पास में अवेलेबल है। सेल्स की टीम के पास में एक प्लेयर के फिनिश आउट के साथ में खेलेंगे बट फिलहाल उनके पास में दो फिनिश पॉइंट ऑलरेडी गेन हो चुके हैं और तीन प्लेयर्स यहाँ पर उनकी तरफ से सर्वाइविंग है। मैक्स ओपी की तरफ से स्काउटिंग चलेगी आरजी की टीम की तरफ से और स्काउटिंग के साथ में 8 बिट के जूसी है कहीं ना कहीं। ओके वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे बट जोन के अंदर आईएनएस की टीम यहाँ पे पहुंचना चाहती है बट एमजीज के हमारे रौनक एमजीज की तरफ से अगर बैक स्टेप बैकफुट स्काउटिंग ना करी जाए तो मुझे लग रहा है उनके लिए थोड़ी सी हानिकारक सिचुएशन हो सकती है और उनको यहाँ पर एक प्लेयर के तो गेम से बाहर जाने की तैयारी करनी पड़ सकती है बिकॉज आईएनएस के जोकर थोड़े थोड़े से धीरे धीरे से सर्वाइव करते करते धीरे धीरे से आप बोल सकते हो कि जोन के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ वाला जोन है इतना डैमेज देगा नहीं बट फिफ्थ वाले जोन से आपको पता ही है इतना ज्यादा डैमेज देगा। बट ये देख सकते हो क्लच गॉड को यहाँ पर व्हीकल के साथ में डाउन कर चुके हैं और जोन भी कहीं ना कहीं फाइनल की तरफ हार्ड चीट ले चुका है। ओपन एरियाज वाला जोन बनने वाला है तो हॉर्नेट थोड़ा सा गड़बड़ तो यहाँ पे होने वाला है बट देख सकते हो गॉडलाइक की टीम के थोड़े से हालात बिगड़ते हुए नजर आने वाला हॉर्नेट। यहाँ पे मार्कोस गेमिंग फिलहाल के लिए काफी अच्छी तरीके से ओआर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे गॉडलाइक की बात करेंगे तो उनके कोई प्लेयर अभी प्रॉपरली बाहर हुए नहीं। यहाँ मार्कोस गेमिंग के पास व्यू थोड़ा सा अच्छा है बट मेरी नजरें जोन से नहीं हट रही क्योंकि मैं जोन में एक टीम को देख रहा हूँ सोल को, वो बहुत ही इजिली यहाँ पे जोन तक पहुंच गया। इनसेन तो सेंटर पे उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होने वाली बट ब्लाइंड के प्लेयर्स जी हाँ 8 बिट के सुनामी को धराशायी करते हुए देखेंगे बट ह्यूमनॉइड खलना है अक्को जूसी यहाँ पे ब्लाइंड स्पाई ओपी को जूसी यहाँ पे खलना है अक्को सिक्योर करते हुए देखेंगे 8 बिट क्या ही कर रहे हो यार आप लोग ऐसे कैसे कोई फाइट लेता है। रेवन की बात करेंगे लुक एट दैट थोड़ा सा यहाँ पे ट्रबल में फंस गया जोन के बाहर फाइट ले गए थे जिसका यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा आई थिंक बट फिर भी काफी अच्छे फिनिशर्स पॉइंट्स अपने नाम करके गए। किलुआ ब्लाइंड की तरफ से फाइट थी, रेवरेंट ने लिया रेकनिंग के साथ फाइट, रेकनिंग के प्लेयर्स को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, सुंदर देखने को मिल रहा है बट ऑन द स्क्रीन सूर्य अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहां से निकल के तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि गए तो ओआर बाहर कर देगी और अगर नहीं गए तो गॉडलाइक बाहर कर देगी। तो अब एक टीम के साथ इनको फाइट लेनी पड़ेगी, अगर गॉडल के साथ ले लेते तो अपना बैक क्लियर कर लेंगे, ऑरेंज रॉक के साथ ले लेते तो अपना फ्रंट क्लियर कर लेंगे। अब देखने वाली ये बात है कि किसके साथ फाइट लेते हैं। फिलहाल के बात करेंगे रेवेनेंट के इनकोर है सर सामने सेल्स के प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, फिनिशर्स पॉइंट्स की दरकार है, रेवेनेंट के पास कुछ खास नहीं है बट यहाँ पे गॉडल के क्लच गॉड जी आईपी की बात की गई थी, लिया UMP 45 का शॉट किया है मार्कोस गेमिंग के एक प्लेयर को दरअसल बट क्लच गॉड लेते हो देखेंगे INSHBX के प्लेयर का नॉकडाउन गया जरूर है क्लच गॉड UMP 45 हाथ में क्या है यहाँ पे रौनक को भी पिक ऑफ कर पाएंगे जी हाँ क्लोज इन जरूर देखने को मिल रहा है। रेगल टॉस इसी चीज की बात हुई थी सोल फिलहाल के लिए लेते हुए दिख रही फाइट रेकनिंग स्पोर्ट्स के साथ तो जोन का प्रॉफिट है फायदा तो उठाएंगे और इनसेन ऑलरेडी जैसा आपने कहा था कि सेंटर पे है तो वो भी यहाँ पे रेकनिंग को यहाँ पे लाइक धराशाई करते देखिए। तो एक चीज सोल को भी ध्यान में रखनी है कि जोन तो हमको जाना है बट इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि दोनों टीम हमारे सामने पड़ेगी तो कहीं ना कहीं बट यहाँ पे गॉड लाइक की अभी अच्छी फाइट देखने को मिले मार्कोस गेमिंग को बाहर करेंगे जी हाँ रौनक को भी बाहर किया गया। गॉड लाइक जैसा पिछला मैच गया था वैसे ये मैच जा रहा है, 4 फिनिशेस पॉइंट अपने नाम कर चुकी है बट ऑरेंज रॉक फाइनली एक मैच देखने को मिल रहा है जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी। डार्क रेवेनेंट के प्लेयर्स को डाउन करते दिखेंगे, दो ही प्लेयर्स के साथ खेल रहे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स इस मैच में क्योंकि बाकी के दो बाहर हो चुके हैं। यस लाइक बाकी के थोड़े से यहाँ पर मुसीबत की घड़ी हो चुकी थी उनके लिए, जीना पड़ेगा बट क्या करेंगे यहाँ पर बचने के चांसेस कम रहेंगे। जोनाथन को एक रिवाइवल मिल चुका है, ज़िगॉड इज़ ऑन बीटा पोजीशन पे, नेक्स्ट वाला जोन जाने वाला है जो कि काफी क्लोज है जोन के अंदर लाइक 50 मीटर्स का ट्रैवलिंग करना है आपको बट कैसे ना कैसे पहले फाइट लेना उसके बाद में यहाँ पर रोटेशन करना पड़ेगा। फाइट एंगेजमेंट अगर आप नहीं लेते रोटेशन पे फोकस करने की कोशिश कर दो तो थर्ड पार्टी का सिनेरियो भी आता हुआ नजर आएगा। लाइक आप थर्ड पार्टी के सिनेरियो में आप आ सकते हो स्पॉट आउट हो गए एक बार, अगर रडार पे आप पहुंचेंगे तो आपके लिए मुसीबत की घड़ी बन सकती है। ओआर के टेस्ट पे यहाँ पर जोनाथन की तरफ से चल रही गोल पर जोनाथन के पास में ना जोन है ना ही यहाँ पर हीलिंग्स अवेलेबल है, जोन के अंदर चाहे तो चाहे कैसे यहाँ पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है बट ये जोनाथन है यहाँ पर क्योंकि मुश्किलों का सामना करना तो लाइक जोनाथन बहुत ही बखूबी जानता है। नियो भी अवेलेबल है, क्लच गॉड भी है बट एमजीज अभी तक यहाँ पर होल्ड कर रही है, एमजीज के तरफ से यहाँ पर लाइक लगातार यहाँ पे होल्ड एमजीज ही ठान गया है कि चलो ये टीम को पूरा का पूरा गेम से बाहर करने के बाद ही हम लोग रोटेशन करेंगे बट इनके पास में जोन अवेलेबल है। क्लच गॉड की तरफ से हो रही है हीलिंग और टीम सप्लाई कर चुकी है और ये क्या देख रहा हूं काफी प्यारा शॉट क्या पूरी की पूरी स्क्वाड लेके गए क्लच गॉड, नाम ऐसे ही नहीं रखा यहाँ पर, नाम भी ऐसा और काम भी ऐसा। क्लच गॉड की तरफ से काफी प्यारा सा यहाँ पर स्प्रे कंट्रोलिंग रहा और ये ओआर की टीम के थोड़े से हालात बिगड़ रहे हैं हॉर्नेट।
ये बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे जॉनथन जो विदाउट हेल्थ किट के सरवाइव कर रहे थे एक मूवमेंट में, बट वहां पे उनके फेवर में गई थी फाइट। अब सोल को मैं देख रहा हूँ वो पीछे, बट ऑरेंज रॉक फिलहाल के लिए डोमिनेट कर रहे हैं। सोल मावी वहां पे परास्त कर दिए गए इंसेन के हाथों। मैंने यही चीज बोली थी कि इंसेन सोल के लिए प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी, बट क्लच गॉड क्या खेल रहे हैं ये आज के मैच में जिस तरीके से प्रदर्शन, क्योंकि सेनॉक में मौका ही नहीं मिला था इनको अपना गेम दिखाने का क्योंकि बाहर हो गए थे बहुत ही ज्यादा अर्ली, बट इस मैच में मिला और खुद को लाइक पूरी तरीके से उन्होंने यहाँ पे शोकेस किया। एक मूवमेंट आया था जहां पे लगा था गॉडलाइक का सफर खत्म, बट वहां पे क्लच गॉड निकले, अपनी M4 निकाली, सिक्सेस के साथ स्प्रेस कनेक्ट किया, पूरी की पूरी टीम को बाहर किया और अपनी टीम के लिए कुछ यूटिलिटीज भी यहाँ पे उन्होंने निकाल के रखी। इतना नीड किया गया, रेगल टॉस को भी पिक ऑफ किया गया, बट गॉडलाइक ये नहीं रुकने वाली। ओके वेट अ मिनट, सोल को बाहर किया गया #3 पे, लास्ट टू टीम्स गॉडलाइक वर्सेस टीम इनसेन। मैंने आपसे क्या कहा था कि इनसेन का एक कमबैक मैच जरूर आएगा वुल्फ, और वो आ गया। देखा इसी चीज की मेरे को बात थी कि इनसेन की तरफ से एक मैच देखने को मिलेगा और आया किस में, कमबैक मैप में सैनहॉक में डोमिनेशन क्या कहते हैं इनसे सीखा। और सोल ने भी इस मैच में, मेरी यही दो टीम मैंने पिक करी थी कि सोल और इनसेन आपको कमबैक में दिखेगी, और वही दो टीम्स आपको #3 और #2 पे अभी भी देखने को मिल रही है। क्या लगता है गॉडलाइक के पास 3 प्लेयर्स हैं, इनसेन के पास कंपाउंड अच्छे खासे हैं, पर जोन में कोई भी टीम नहीं है प्रॉपरली। ये जरूर से लाइक आप देख सकते हो जहां पर गॉबलिन के तरफ से शॉट जा रही है, नियो भी एक अच्छा सा एंगल कवर करेगा, और ये देख सकते हो जॉनाथन के तरफ से एक प्लेयर को डाउन तो करा गया था बट इनसेन नियो ने गॉडल नियो को डाउन कर दिया। मतलब नियो आमने सामने यहां पर फाइट ले चुके हैं, 2-2 का सिनेरियो यहां पे आता हुआ नजर आएगा। जॉनाथन के ऊपर चलते हुए गोलियां, और ये पोजीशन काफी प्यारा है गॉबलिन का, एक अच्छा सा एंगल अगर मिल गया पूरी की पूरी गेम पूरी की पूरी कायनात यहां पे लेके चले जाते हैं, जो कि क्लच गॉड एक अकेला प्लेयर अभी स्टैंडिंग यहां पर उनकी टीम की तरफ से 1-2 का सिनेरियो आता हुआ नजर आएगा। और ये स्कोर आउट हो गया, गोलियां मिस आउट हो गई, ये स्प्रे कंट्रोलिंग थोड़ी सी मिस आउट हो गई, नियो आई थिंक सो जोन के बाहर अटके हुए हैं, और मुझे लग रहा है नियो के ऊपर नजर बना के रखे तो 1-1 का सिनेरियो आता हुआ नजर आ सकता है। एक हिसाब से वे ब्लॉकेज कर चुके, स्मोक के सहारे पे वे ब्लॉकेज कर चुके, फिलहाल उनके पास में यूएमपी है, वहां पे हीट वाली फाइट चलेगी। नियो कैसे ना कैसे जोन के अंदर बनने की चांस करना चाहता है, पर ये शॉट कहीं ना कहीं और ये मिस आउट हो गया। 1 HP के साथ में यहां पर क्लच निकालते हुए नजर आएंगे, ओ माय गॉड 1 HP के साथ में यहां पर क्लच नियो ने और टीम इनसेन, ओ माय गॉड ये वाले पल जो के बहुत ही बेखूबी यहां पर कैप्चरिंग करी जो फर्स्ट